वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों की रिक्वेस्ट में मैंने ये लुक क्रिएट किया है। ये एक न्यू मैरिड आप बोल सकते हैं, जिनकी न्यू शादी होती है या जिनकी होने वाली है, वो किस तरह से रेडी हूँ अपने ससुराल में, यानी कि नई नई शादी होती है, लोग बहू को देखने आते हैं, तो वो क्विकली आपको कैसे रेडी होना है, प्लस किस तरह से आपको रहना है, मतलब किस तरह से उस मेकअप को करना है, कैरी करना है, जो ज़्यादा वेटेड भी ना हो मेकअप, और आपको ज़्यादा क्योंकि गर्मी है तो उतना ज़्यादा पसीना भी ना है, तो उन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मैंने इस मेकअप में दिया है कि किस तरह से आपको चीज़ें यूज़ करनी है। और मैंने बताने की भी कोशिश की है कि कौन सी चीज़ यूज़ करनी है जिससे गर्मी में आपका मेकअप बहे नहीं और बहुत ही नेचुरल लगे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे हेयर से रिलेटेड वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इवन जो लोग शादी से पहले वेट कम करना चाहते हैं, जो इनका शादी के बाद वेट पुट ऑन हो गया है, वो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उस चैनल का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। या फिर आप ऐसे ही सर्च कर सकते हैं, बीइंग ब्यूटीफुल या सुगम त्रिवेदी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और आपको इजी वे में मैं सबसे ऊपर मिल जाऊंगी। तो टाइम का वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले नायका का फेशियल ऑयल लेना है और इससे आपका फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेट होगा और मतलब काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी लैक्मे की सीसी क्रीम, जो कि इस गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर आप कोई और भी फाउंडेशन लगाएंगे तो वो थोड़ा पैची सा हो जाएगा और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फेक लगने लगता है, इसलिए मैं गर्मियों में हमेशा इसे लेती हूँ। और आपकी न्यू शादी हुई है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा इस गर्मी में, और आपको पसीना भी नहीं आएगा और सबसे फ्रेश स्किन लगेगी। इसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको डार्क सर्कल और इन सारी प्रॉब्लम है तो आप कंसीलर यूज़ करिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट लुक को क्रिएट करना था तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखानी ज़रूरी थी। आप चाहें तो इस को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद लूज़ पाउडर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपको पसीना नहीं आने देगा, तो इसलिए लूज़ पाउडर ज़रूर, आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ये पाउडर सबसे ज़्यादा रहेगा। और इसके बाद आप ब्रश की हेल्प से इसे हटा दीजिए। और आईब्रोज़ भी आपकी सबसे बेस्ट पार्ट है, आप तो चाहे तो आईब्रो किट भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास पेंसिल है तो मैं पेंसिल हमेशा से यूज़ करती हूँ। और इसके बाद अब आपको शुरू करना है आई मेकअप। सबसे पहले आप ग्लिटर लगा लीजिए, क्योंकि आँखों का मेकअप थोड़ा बोर्ड होना चाहिए, आपकी नई नई शादी हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्लिटर लगाऊंगी। ग्लिटर मैं ऊपर से इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि ग्लिटर कहीं ना कहीं आपके फेस पे आएगा और वो आपको थोड़ा सा अजीब सा लुक देगा, शाइनी लुक दोगे, इसलिए मैं पहले ग्लिटर लगाऊंगी, उसके बाद आई शेडो लगाऊंगी, ताकि जितना भी झड़ना है वो झड़ जाए और जितना रहना है वो रह जाए। इसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क कलर यानी कि ब्राउन शेड लेके अपनी आंखों पे लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आप फिंगर की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से उसे सेट कर सकते हैं। सेम आई शेडो आपको आंखों के नीचे लगाना है, ताकि आंखों का लुक बहुत ही अच्छा आए और मतलब कि फेकनेस ना आए, इवन आपको जो मैं बोलूं कि काफ़ी अच्छा सा लगे। इसके बाद मैं यहाँ पे नायका का काजल ले रही हूँ। काजल भी मोस्ट थिंग है जो आपके मेकअप को इन्हेंस कर देगा। आई शेडो पर ध्यान ये रखिएगा कि बहुत ज़्यादा शाइनी ना लगे। इसके बाद मैं फिर अगेन मेबलिन का जो है वो मस्कारा लगाऊंगी, जो हाइपर वैल्यूम वाला है। आपको फेक आई लैशेस लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगेगी इस को लगाने के बाद। आईलाइनर मैंने इसलिए नहीं दिखाया, मैंने आईलाइनर में मेबलिन का लगाया है जेल वाला, क्योंकि वो सबको लगाना आता है। और इसके बाद आपको अब जो है वो कंटूर करना है, अगर आपके फेस पे अगर मोटा है या पतला है, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग करिए। मेरा थोड़ा सा गोल है तो मुझे अपने चीक्स पे थोड़ा सा यहाँ पे पतला लुक देना है, इसलिए मैंने अपनी नोज़ और सारी जगह पे बहुत ही लाइट उसमें किया है। इसके बाद ब्लश बहुत ही ज़्यादा आपके लुक को इन्हेंस करेगा, और बहुत ही लाइट से लगाइएगा, मतलब ओरिजिनल लगे, जैसे टिंट बोलते हैं, और उसका भी मैं एक लुक लेके आऊँगी जो सिर्फ टिंट से आपका जो है वे फेस बिल्कुल खिल के आ जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जो है वो शाइनर लगाना है, हाइलाइटर लगाना है, फेस को बिल्कुल जो है आपको सुंदर दिखाएगा और बिल्कुल फेस को एक नेचुरल लुक भी देगा। इसके बाद मैं शुगर कॉस्मेटिक की रेड लिप कलर लगाऊंगी, क्योंकि यही एक कलर है जो आपके न्यूली मैरिड होने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसे लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा लुक। सो फ्रेंड्स, देखा
ना इस लुक को क्रिएट करना कितना इजी है, फटाक से आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में, और सुंदर लगे। और अपनी स्किन का भी जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि जिन जिन चीज़ों का मैंने यूज़ किया है उसे मेरी स्किन बिल्कुल भी जो है ना ही मेरा पसीना बहेगा और ना ही इस लुक को कोई भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कोई भी पसीना नहीं आ रहा है, इवन मैंने पंखा भी नहीं चलाया हुआ है। और वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ।